सभी साथियों को जय जोहर। मैं मनोज कुरकू और साथियों मैं आज रानीगांव सर्कल आया। तो साथियों जो कल एक्सीडेंट हुआ था ये आपको दिखा रहा है, यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट। तो इसके बारे में थोड़े बहुत हमारे पंडित जी जानकारी देंगे आप लोगों को रेडियो के माध्यम से। इसके बारे में जोहर साथियों ये जो एक्सीडेंट हुआ आप देख रहे हैं, ये जो एक्सीडेंट हुआ ये कल लगभग शाम के टाइम में हुआ है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बाराती है ये खंडवा जिले से गुड़ी गांव के थे और यहाँ रानीगांव में बारात के आए थे, जिसमें दिन में शादी हुआ और शाम को जब बाराती वापस जा रहा था। तो साथियों ये रानीगांव घाट में एक एक्सीडेंट हुआ है जो आप देख रहा है, जिसमें बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमको मिला उसमें एक व्यक्ति का डेथ हो गया है और अन्य 10 लोगों को उपजिला रुग्णालय धारणी में एडमिट किया गया है, जिसमें कुछ लोगों का तबीयत बहुत गंभीर बताया जा रहा है। तो साथियों ये जो एक्सीडेंट होने के पीछे का जो कारण है, धूम्रपान जो कि नहीं करना चाहिए। अभी आप इस घाट का रास्ता देख रहा है जो एक बहुत खतरनाक है। आपको हमारे धांडे जी को मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा कैमरा आप इधर घुमाइए। ये जो घाट है साथियों, अगर गाड़ी का बैलेंस उस तरफ ना जाते हुए इस तरफ आता तो आज क्या मंजर रहता, शायद संभलने का मौका नहीं मिलता, आप देख रहा है। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप किसी भी तरह की गाड़ी भाड़े में जाता हो तो पहले उस गाड़ी का कंडीशन और ड्राइवर यानी वो नशा करता है या नहीं, ये सारी चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए। सवाल क्या है, आगे खाई है, देखो आप ये खाई देख रहा है, ये खाई में गाड़ी उतर गया तो शायद संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह का अमानवीय घटना होने से बचे, और ज़्यादातर मैं आपको बता रहा जितना सावधानी आप बरसोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा, आपके परिवार के लिए ठीक रहेगा। आज यहाँ जो भी एक्सीडेंट हुआ है कहीं ना कहीं वो भी हमारे परिवार के लोग हैं। आज शादी का माहौल एक अच्छा माहौल होता है और उस माहौल से वापस आते आते इस तरह का घटना होगा शायद किसी ने सोचा नहीं। इसलिए साथियों हमारे जो समाज आज धूम्रपान की तरफ जा रहा है, जो नशा कर रहा है, इन चीज़ों से शायद हमको बचना चाहिए ताकि इस तरह का घटना ना हो। और बहुत ही बेहद दुखद घटना है साथियों, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद नसीब अच्छा है, इधर ये पत्थर आए हैं, ये पत्थर में गाड़ी रुक गया और आगे नहीं गया, जिससे ज़्यादा जान हानि नहीं हुआ है, फिर भी इसको हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। और ये जो भी जानकारी साथियों हमको संक्षिप्त में जितना जानकारी मिला हम आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और आगे भी आप लोगों से मिलूँगा। धन्यवाद।